आपसी प्रेम और भाईचारे का प्रतीक रंगों का त्योहार होली एवं धुलंडी पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। झालावाड़ जिले के डग कस्बे में आपसी प्रेम और भाईचारे का प्रतीक रंगों का त्योहार होली एवं धुलंडी पर्व ग्रामीण क्षेत्र सहित कस्बे में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वहीं होली के अवसर पर शहर में कई स्थानों पर होलिका दहन का आयोजन किया गया। होलिका दहन से पूर्व महिलाओं ने परंपरा के अनुसार होली डांडे की विधिवत पूजा कर होली जलाई। अगले दिन धुलंडी का त्योहार बड़े हर्षोल्लास व शांतिपूर्वक मनाया गया। सुबह व्यापार महासंघ की ओर से बाजार के मुख्य चौराहों पर स्टॉलें लगाई गई, जिसमें पोहा, कचौड़ी, चाय, रसगुल्ले, ठंडाई की व्यवस्था की गई। ढोल नगाड़ों के साथ गणेश चौक में जमकर एक दूसरे को गुलाल लगाई। इसके बाद शहर भर में धुलंडी का पर्व शुरू हो गया। धधकते अंगारों पर नंगे पैर चलकर श्रद्धालु देते हैं अग्नि परीक्षा। झालावाड़ जिले के डग कस्बे में धधकते अंगारों पर नंगे पैर चलकर श्रद्धालु अग्नि परीक्षा देते हैं। होली के दिन शाम को चौकड़ी दरवाजा स्थित हनुमान मंदिर पर चूल का आयोजन किया जाता है। आस्था और भक्ति के कई रूपों में यह भी एक रूप है, जहां भक्त अंगारों पर चलकर भक्ति की अग्नि परीक्षा देते हैं। पुजारी संघ अध्यक्ष चंद्रशेखर शर्मा ने बताया कि इसको देखने के लिए जिले भर से श्रद्धालु आते हैं। अंगारों पर चलने की यह परंपरा 100 साल से ज्यादा पुरानी है। लोग अंगारों पर से चलते हैं, जिनकी मांगी हुई मन्नत पूरी हो जाती है। वह जलते अंगारों से निकलते हैं, जो 2 फीट चौड़ा और 15 फीट लंबा गड्ढा खोदा जाता है, जिसमें सूखी लकड़ियों को डालकर दहकते अंगारों में परिवर्तित किया जाता है। इसके बाद इसमें देसी घी डालकर अंगारों को दहकाया जाता है। इसके बाद श्रद्धालु इन दहकते अंगारों पर नंगे पैर चलते हैं। किंतु बड़ी ही रहस्यमयी बात है कि आज तक कोई हादसा नहीं हुआ। आस्था के अंगारों पर आज तक कभी कोई भक्त न तो चोटिल हुआ है और न ही कोई दुर्घटना हुई है। भक्तों में आस्था भी ऐसी है कि दहकते अंगारों पर माताएं, बहने, युवा, बच्चे भी बेखौफ होकर निकल जाते हैं। बीपीए न्यूज संवाददाता किशोर तवर की रिपोर्ट। शक्ति और भक्ति का जो कार्य यहाँ पे देखने को मिल रहा है, कितने वर्षों से संचालित है, किस प्रकार से? 100 वर्षों से अधिक इस भक्ति और शक्ति को कार्यक्रम को चलते हुए हो गया है। इसे चूल का रूप दिया गया है, जो कि 100 वर्षों से अधिक यहाँ पर चूल के माध्यम से नंगे पैर अपने श्रद्धालु यहाँ पर अपनी मनोती पूर्ण होने के पश्चात निकलते हैं। कितनी घी और लकड़ी का प्रयोग होता है यहाँ पे? 2 क्विंटल से लगभग लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, जिसमें 15 फीट लंबी और 2 फीट चौड़ी खाई का निर्माण किया जाता है। इसमें लकड़ी डालकर उसके ऊपर देसी घी डालकर उसको लगभग कितना घी लग जाता है? लगभग कितना घी लग जाता है? लगभग 10 किलो के आसपास, 15 किलो के आसपास घी लगता है। 10 से 15 किलो के आसपास। कस्बे में करीबन 100 वर्षों से ये परंपरा चली आ रही है, जो होली खेलने के पश्चात शाम को कस्बे में आयोजित की जाती है, जिसको देखने के लिए कस्बे सहित ग्रामीण अंचलों से हजारों की संख्या में यहाँ लोग पहुँचते हैं।